दोस्तों, लैला मजनू का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। इनकी लव स्टोरी के बारे में भी लगभग आप सभी को पता ही होगा। इनकी कहानी तो किताबों में या फिर फिल्मों में देखने को मिल ही जाएगी, लेकिन क्या आपने इनका असली फोटो यानी कि अपने टाइम में लैला मजनू कैसे दिखते थे, इनकी रियल इमेज देखी है? अगर नहीं तो आज आप इस वीडियो में इनकी रियल फोटो देखोगे और साथ ही जानोगे कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 5, चील दुनिया की सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक है। यह अपने शिकार का 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेती है। इसकी हवा में उड़ने की स्पीड 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो फैक्ट यह है कि चील की आंखें इतनी तेज होती हैं कि अगर चील की आंखें किसी इंसान की आंखों की जगह लगा दी जाएं, तो वो किसी बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर खड़ा होकर भी जमीन पर चलती हुई एक चींटी को देख सकता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपने ट्रेनों में तो खूब सफ़र किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ ट्रेन के इंजन को चालू करने के लिए कम से कम 25 लीटर डीजल खर्च होता है और वहीं ट्रेन 1 किलोमीटर चलने में 15 से 20 लीटर डीजल खाती है। इसी कारण ट्रेन के इंजन को स्टेशन पर बंद नहीं किया जाता। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आँखों का अगर वजन नापा जाए तो कितना होगा? तो आपको बता दूँ कि हमारी सिर्फ एक ही आँख का वजन 7.5 ग्राम होता है। अगर दोनों आँखों का नापा जाए तो 15 ग्राम वजन होगा। फैक्ट नंबर 2, टर्माइट नाम का एक कीड़ा होता है जिसे हम लोग दीमक कहते हैं। अब आपको ये तो पता ही होगा कि दीमक जो है वो लकड़ी खाते हैं। तो दोस्तों ये जानकर आपको हैरानी होगी कि अगर दीमक आपके फर्नीचर को खा रहा है और आप रॉक म्यूजिक बजाते हैं, तो टर्माइट जो है वो लकड़ी खाने की स्पीड को डबल कर देता है ना कमाल का फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आप लोगों ने लैला मजनू के बारे में किताबों में ज़रूर पढ़ा होगा और फिल्मों में भी देखा होगा, लेकिन आपने उनकी रियल इमेज अगर नहीं देखी है तो आप स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हैं ये उनकी रियल फ़ोटो है। मतलब असल में लैला मजनू ऐसे दिखते थे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।